आखिरकार ये चक्कर क्या है? जिससे भी पूछो कैसा हुआ है पेपर हार्ड, जिससे भी पूछो कैसा हुआ है पेपर हार्ड, आखिरकार 1, 2, 4, 6, 10 बच्चों को पेपर हार्ड लग जाएगा, लेकिन सभी के सभी बच्चे हार्ड पेपर क्यों बता रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्या है, आखिरकार ऐसा एग्जाम में आया क्या है जो कि कैंडिडेट पर नहीं आया है, जिसकी वजह से पेपर हार्ड लगा है? तो दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। आज की इस खास खबर में बात करने वाले हैं कि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का 9 मई और 10 मई को जो एग्जाम हुआ है, उस दौरान जो कैंडिडेट के द्वारा रिव्यू के माध्यम से जो बातें खुलकर सामने आई है, वो सारी बातें मैं आपको इस खबर के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको बताइए कि हमारे द्वारा जितने भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं 2 या 2 से अधिक दिनों में, तो हम प्रत्येक एग्जाम का और एग्जाम सेंटर पर जाके प्रत्येक शिफ्ट का कैंडिडेट से रिव्यू लेते हैं, और रिव्यू के माध्यम से आपको एग्जाम के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सारी बातें हम कैंडिडेट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमने जो हाल ही में परीक्षा हुई है एनटीपीसी सीबीटी 2 की, तो हम इस बार भी एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे और 9 मई और 10 मई को ये एग्जाम कंडक्ट कराए गए, तो हमने कैंडिडेट से बात की। जब ऑन कैमरा हम कैंडिडेट से बात करते हैं तो वो तो आपको रिव्यू के माध्यम से एग्जाम के 1 घंटे बाद ज्ञात हो जाता है, लेकिन ऑफ कैमरा भी हम कैंडिडेट से काफ़ी सारी बातें करते हैं जो कि आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम एक ऐसी खबर बनाते हैं और शानदार विश्लेषण आपको देते हैं कि ऑफ कैमरा कैंडिडेट हमें क्या बताते हैं। ऑन कैमरा भी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो कि वो ऑन कैमरा नहीं बताते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा बताना पसंद करते हैं, क्योंकि हम अभ्यर्थियों से कैसे बात जाननी है या क्या हो रहा है, सारी बातें हम अपने स्तर से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं जिन्हें जानना प्रत्येक कैंडिडेट के लिए जरूरी है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है कि उनकी भी गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी लगे। तो दोस्तों आप पिछले 3-4 साल का अगर ग्राफ उठाएं, जो एक ट्रेंड चल रहा है कि ज़्यादातर जो भी कैंडिडेट हैं जो बनने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस समय सबसे ज़्यादा डिपेंड है ऑनलाइन स्टडी पर, यानी कि अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, चाहे आप YouTube के माध्यम से क्लास ले रहे हों या ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म हैं, काफ़ी कोचिंग्स हैं जिन्होंने अपने ऐप लॉन्च कर रखे हैं, उनके माध्यम से वो ऑनलाइन क्लास अवेलेबल करा रहे हैं और पेड कोर्स भी वो बच्चों को दे रहे हैं जिसके माध्यम से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो NTPC CVT 2 में जो कैंडिडेट ने बताया है कि इस बार जितने भी ऑनलाइन चैनल हैं YouTube पर और जो भी अदर प्लेटफॉर्म है जिन पे वो ऑनलाइन स्टडी कराते हैं, एक से एक अच्छे टीचर, तो इस बार NTPC CVT 2 में कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सिंगल किसी भी ऐसे चैनल का नाम सामने नहीं आया है कि जिसका नाम कैंडिडेट ने लिया हो कि भैया इस टीचर ने ऑनलाइन हमें पढ़ाया था, और उसके जो भी नोट्स थे, किसी भी सब्जेक्ट की बात ले लो, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 3 सब्जेक्ट आए थे, तीनों सब्जेक्ट में से सिंगल क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट का नहीं पसा है। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो भैया करंट अफेयर्स तो सबके लिए सेम है, चाहे आप उन्हें ऑनलाइन पढ़ लो उसे चाहे ऑफलाइन पढ़ लो, लेकिन और भी जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो किसी भी कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि ये चैनल अच्छा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आप ऑनलाइन तैयारी करते हुए सिलेक्शन ले लें, ये तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। जो भी सारा डेटा है, जो सिलेबस है, वो सारी बातें आपको किताबों के माध्यम से जाननी होंगी, जो भी नॉलेज है, जो भी आंसर हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो मेन क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर एग्जाम्स में वही घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें जानना आपके लिए विशेष ज़रूरी है। और जो पिछले 3-4-5 सालों में आपको जो एक बुरी लत लग चुकी है कि आप सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से सिर्फ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ना आपने बिल्कुल बंद कर दिया है, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम कोचिंग्स हो या खुद से सेल्फ स्टडी हो बुक्स के द्वारा, ज़्यादातर कैंडिडेट ने वो सारी बंद कर रखी है, सिर्फ ऑनलाइन पेड कोर्स ले लेते हैं और ऑनलाइन टीचर्स यूट्यूब वगैरह पर जो पढ़ाते हैं उनसे पढ़ के ही वो अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। फिर जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जो उन्होंने पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया। जब कुछ नहीं आता एग्जाम में तो भैया स्वाभाविक है, एग्जाम तो कठिन लगेगा ही। तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप सुधर जाओ, जो आपने लत लगा रखी है, जो आप पर गंदी आदत आप
में लग चुकी है कि सिर्फ आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो ऑनलाइन से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन से कुछ भी नहीं होगा, ऑनलाइन से मदद मिलेगी, लेकिन आप 100% ऑनलाइन पर भी निर्भर रहें तो ऐसे भी काम नहीं चलने वाला है। जो पहले के स्टूडेंट थे, जो कि आप एक फोर्थ क्लास की नौकरी या फोर्थ क्लास की पोस्ट से लेकर IAS PCS लेवल तक का अगर एग्जाम देखा जाए तो उन्होंने बुक्स के माध्यम से सिलेक्शन लिया है, तो क्या वो कैंडिडेट अपनी तैयारी नहीं करते थे? क्या वो नहीं पढ़ते थे? क्या उस समय भी 5-6 साल पहले अगर पीछे हम चलें तो क्या उस समय इतना क्रेज था जो आज है ऑनलाइन का? नहीं था ना। इस चीज़ को तो आप स्वीकार करेंगे। सिलेक्शन वो भी ले रहे थे, रैंक में वो भी आ रहे थे, ऑल इंडिया वन रैंक उनकी भी आ रही होगी उस समय। ऐसी बात नहीं है कि कंपटीशन आज ज़्यादा है, उस समय नहीं था। उस समय के आप कैंडिडेट से बात करिए जिन्होंने सिलेक्शन ले रखा है, ज़्यादातर उनके आपके भाई बहन होंगे जो गवर्नमेंट जॉब अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं, उनसे आप पूछिए कि उनके समय में कितना कंपटीशन था। जितना कंपटीशन आज है उतना कंपटीशन उस समय भी था और आगे भी रहेगा। कंपटीशन में कोई भी गिरावट नहीं आने वाली है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी आगे और भी काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं। खासकर रेलवे की बात की जाए तो अभी रेलवे के NTPC CVT 2 के अदर लेवल के एग्जाम होने हैं, वो भी होंगे कुछ ही दिनों में। उनकी तारीख भी अनाउंस होने वाली है। ग्रुप डी का आपको बताइए कि जुलाई मंथ में होगा। और भी SSC एग्जाम कराती है ऑनलाइन, उसमें भी हमने काफ़ी कैंडिडेट्स को देखा है कि कैसा एग्जाम आया है भैया, हार्ड कैसा एग्जाम आया है भैया, हार्ड बताते हैं। हार्ड वो इसलिए बताते हैं कि वो जो पढ़ते हैं, स्वाभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपनी तैयारी करके ही एग्जाम में जाते हैं, बिना तैयारी के तो कोई भी नहीं जाता। लेकिन जब किसी पर एग्जाम में नहीं आता, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो उन्हें तो भैया वो हार्ड लगेगा। तो हार्ड क्यों लगेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते, पढ़ के मोस्टली सभी स्टूडेंट जाते हैं, सभी स्टूडेंट तैयारी करते हैं। तैयारी करने के लिए अपने गांव देहात जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो लोग बड़े दूर जाते हैं, रेंट पे रूम लेते हैं, वहां रहकर बड़े एडजस्ट करते हैं, बड़ी परेशानी आती है, 6-7-8 हज़ार रुपये वो महीने खर्च करते हैं, तैयारी मन लगा के करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जाम में कुछ नहीं आता है। ये जब उनका आंसर आता है तो हमें भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम भी काफ़ी कैंडिडेट को बारीकी से देखते हैं कि बेचारे कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं। एक तो रेलवे की बात की जाए तो रेलवे ने इस बार वैसे ही काफ़ी दूर एग्जाम सेंटर बनाए हैं, घर से 2-2-3-3 दिन पहले एग्जाम सेंटर पर बच्चे समय से पहुँचे तो अपने घर से निकले हैं। सफ़र के दौरान वैसे ही वो नींद नहीं ले पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। भाई घर जैसा सोना खाना पीना रहना तो बाहर मिलेगा नहीं, तो एक तो वैसे ही उन्हें थकान रहती है, वैसे ही परेशान रहते हैं। तो उसके बाद फिर जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्जाम आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें देखकर और उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि आंसर आता नहीं है तो एग्जाम कठिन लगता है, एग्जाम कठिन लगता है तो मायूसी तो भैया आएगी। तो फाइनली इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था, 10 मई को NTPC CVT 2 के एग्जाम फिनिश हो चुके हैं, बारीकी से मैंने चीज़ों को समझा, उसके बाद मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जो बातें हैं बताने वाली वो उन्हें मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन स्टडी पर निर्भर मत रहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बुक्स पढ़ने की आदत डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन क्लास अटेंड करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपनी आदतें ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में पढ़ने की डालिए। ऑनलाइन ले रहे हैं ठीक है, लेकिन ऑनलाइन से ही काम नहीं चलेगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर समय रहते हुए अगर आपने अपने आप में परिवर्तन कर लिया, चेंजेस कर लिए, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, अदरवाइज आप भी बेरोजगारी की श्रेणी में रहेंगे। जो आपका सपना है, आपके घर वालों का सपना है, आपके जानने पहचानने वालों का सपना है, तो भैया वो ऐसे सपना पूरा नहीं होने वाला है। तो आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि सिर्फ एक मोड यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से ही सब कुछ नहीं होने वाला है, ऑफलाइन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हर चीज़ समझनी पड़ेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है एग्जाम से रिलेटेड सारी बातों को समझना पड़ेगा, उसके बाद उस पर वर्क करना पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लाया था। आई होप कि आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ऐसी लेटेस्ट जानकारियां और भी
अदर एग्जाम्स की जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनके तो हम रिव्यू करते ही हैं, बाकी परीक्षा से संबंधित और भी जो जरूरी जानकारियां होंगी तो मैं आपके लिए सबसे पहले लाता रहूंगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।